अब तीसरा पॉइंट आता है आपका, तीसरा जो आता है वो आपका द थर्ड जनरेशन वेब इज अबाउट पब्लिक गुड, और ये भी आपका टॉपिक जो है वो GS3 की तरफ से है, GS3 में टॉपिक था ये। अब इसमें क्या है, यहाँ पे दो पॉइंट समझने पड़ेंगे, एक Web 3.0 और एक है Web 3, ठीक है, Web 3.0 और Web 3, ये दो शब्द क्या हैं। देखिए Web 3.0 और Web 3, एक होता है इसमें ये हो गया Web 3.0 और एक हो गया Web 3, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझते क्या है इसके अंदर, Web 3.0 इज ऑल्सो नोन एज डिसेंट्रलाइज वेब और एज सिमेंटिक वेब इज द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज बींग डिप्लॉयड टू क्रिएट न्यू मोर इंटेलिजेंट एफिशिएंट सिक्योर वेब। क्या कह रहा है, वेब थ्री जैसे हमारा मोबाइल होता है जनरेशन 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 4G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, जी, ये सब जितने भी हैं वो क्या है, एनहेंस वर्जनस हैं, ठीक है, अपने पिछले वाले वर्जन से बेहतर होते हैं। इस तरह से वेब 3.0 भी डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, सिमेंटिक है और अपने आप को मोर इंटेलिजेंट एफिशिएंट और सिक्योर वेब के रूप में बनाना चाहता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये मतलब इस मोटा समझ लेंगे, ये जो है अपने आप को 2.0 से बेहतर करना चाहता है। अब ऐसे एक रिपोर्ट आई इसके अंदर, समझते अभी 2021 की रिपोर्ट है, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की रिपोर्ट है, और इसमें बोला कि जो थर्ड जनरेशन वेब होगा उससे इंडिया को लगभग $1.1 trillion का फायदा होने वाला है, ठीक है, लोग इतना लोग काम करेंगे नहीं, एक्टिविटीज़ होंगी, ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा होंगे कि लगभग 1.1 ट्रिलियन का फायदा मिलेगा। From the policy perspective, the next gen web is complex. Part of the problem lies with the diverse descriptor employed by expert. Also, the web immense social relevance is hard to comprehend. क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि ये काम थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रिकी है, इतना आसान चीज़ें नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल रेलिवेंस इसके अंदर मौजूद रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि वेब 3 और वेब 3.0 के बीच में फ़र्क क्या है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ वेब 3 और वेब 3.0 में फ़र्क क्या है। वेब 3 जो है, वेब 3 इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिसी ओरिएंटेड ब्लॉकचेन ड्रिवन एंड क्रिप्टो एसेट फ्रेंडली, वाइल वेब 3.0 अपहोल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ सिमेंटिक वेब विच इज अलाउ पावर्ड बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए सिंपल सी बात है, एक ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, नहीं एक सपना ले लेते हैं, सपना है आपका PCS बनना, SDM बनना, ये है आपका सपना SDM बनना, ठीक है। उस सपने को पूरा करने के लिए आप कोचिंग या किताबें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बुक्स हो गई, कोचिंग हो गई, इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात यहाँ पर यह है कि वेब 3.0 वो एक सपना है कि भाई हमारा जो वेब 3.0 होगा वो ऐसा होगा, हम उसमें मोर डिसेंट्रलाइज होगा, अभी हम एक ही सर्वर से कुछ कनेक्ट करते हैं, अब उसमें अलग अलग खूब सारे सर्वर्स होंगे, हर कंप्यूटर एक अपने आप सर्वर की तरह काम करेगा, ठीक है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड होगा, ज़्यादा रीच में होगा, तो ये सपना है। लेकिन ये पूरा कैसे होगा, पूरा होगा जैसे आपका किताबों से पूरा होगा, कोचिंग से पूरा होगा, तो वेब 3.0 का सपना जो होगा वेब 3 से होगा। और वेब 3 का मतलब क्या है कि ये ज़्यादातर सिमेंटिक वेब है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ आता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम ज़्यादा से बेहतर डिसेंट्रलाइज हम वेब बनाएंगे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम और बेहतर अपना वेब नेटवर्क तैयार कर लेंगे। तो इस ये डिफरेंस है वेब 3 और वेब 3.0 के अंदर। वेब 3 जो है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होती है। द रियल पॉइंट अबाउट द सिमेंटिक वेब इज इट द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेबसाइट टू जनरेट न्यू कंटेंट एंड नॉलेज रिसोर्सेज दैट आर मोर ऑथेंटिक एंड क्रिएटिव। जैसे आपका ChatGPT देखा हुआ कि इन्फॉर्मेशन लेके उसको और परफॉर्म करना है। फॉलोअर्स ऑफ द वेब 3.0 द वर्जन इज एंडोर्ड बाय रोबस्ट कैपेबिलिटी, ठीक है, देख लीजिएगा। अब इन सबसे इंडिया का फायदा क्या होगा, ठीक है भाई, जैसे हमने बात की थी कि 1.1 ट्रिलियन तो पैसा इंडिया में आएगा ही, जैसा US गवर्नमेंट बोलती है, ठीक है। अब इसमें और चीज़ें भी हैं, हम बहुत कुछ देख सकते हैं कि एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और वहाँ पर डिज़ाइन रिलेटेड इनोवेशन होते हैं, भाई कपड़ा है, कपड़े में डिज़ाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कपड़े क्वालिटी और कपड़े का डिज़ाइन, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे कि हमारा कोई डिज़ाइन चोरी ना कर पाए, इन सब कामों के लिए वेब 3.0 या वेब 3 जो है वो यूज़फुल होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। डिजिटल टोकन्स मिंटेड बाय द वेब 3 प्लेटफॉर्म वुड बी एबल टू आवर हैंडीक्राफ्ट एंटरप्राइज टू सिक्योर द इनोवेशन, और
टोकन मनी के रूप में टोकन क्रिएट करेंसी क्रिएट कर देना जिससे कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स हैं उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, वेब थ्री बेस्ड इंस्ट्रक्शन टूल्स एनेबल्स अ रैपिड डिसमिनेशन ऑफ ग्रासरूट इनोवेशन फ्रॉम द मास्टर आर्टिशन टू फेलो मेंबर। अब इस वेब थ्री के माध्यम से क्या हो सकता है कि हम बहुत जल्दी से दूसरी जगह पर पहुँच सकते हैं, बहुत जल्दी से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, दूसरे काम कर सकते हैं। रैपिड डिसमिनेशन ऑफ ग्रास रूट इनोवेशन, कोई इनोवेट किया तो उसको अलग अलग जगह पहुंचा सकते हैं, किससे? वेब थ्री से हम लोग कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि ये सब करने में इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, और जितना इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेट थिंग्स मतलब कि ऐप बना देना, कोचिंग बढ़ा देना, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उसको बूस्ट मिलेगा। रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा काम कर पाएंगे लोग। ठीक है, और एक तरह का रैपिड राइज इन कम्युनिटी डेटा में आएगा, जो कम्युनिटी डेटा इकट्ठा कर रही है उसमें भी राइज देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा से इन्फॉर्मेशन आएगी, डेटा आएगा और बेहतर होगा, जैसे एआई जो है लगातार डेटा से हो रहा है। तो अटल भूजल योजना इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ डेटा ऑन अ ग्राउंड यूटिलाइजेशन। इस तरह की चीज़ें होगा कि भाई कौन सा ग्राउंड में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, पानी कहाँ है, पानी कितना है, कैसा है, वो सब क्वालिटी इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, वेब 3.0 कैन ऑल्सो यील्ड इनसाइट फ्रॉम द लार्ज वॉल्यूम ऑफ कम्युनिटी डेटा। अब मान लो कि कम्युनिटी डेटा है, मिल गया, ठीक है, डेटा इकट्ठा करना तो चलो काम है ही है, लेकिन डेटा इकट्ठा हो गया, उसके बाद इस डेटा को हम यूज़ कर सकते हैं और दूसरे कामों में, जैसे कि मान लीजिए हमने इसको जीनोम के साथ फिक्स कर दिया कि भाई जीनोम सिक्वेंसिंग कर दी, अब हमारा डेटा भी है, हमारे पास एक तरीका भी है। हमने कहा था कि भाई ऐसे लोग जो कि 50 साल से ऊपर हैं और जिनको डायबिटीज़ है, उनको कैंसर हो जाने का खतरा ज़्यादा है, तो हमने डेटा निकाल के पता लगा लिया कि कौन कौन से लोग हो सकते हैं और उनको इनका ट्रीटमेंट कर दिया, तो बहुत सारे कहते हैं ना लोग बचे और बच जाते हैं, तो इसमें इंडियन इकोनॉमी को फायदा होता है इसके अंदर। ठीक है, वेब 3.0 नेचुरल एडवांटेज ऑफ फैसिलिटिंग एनालिटिकल एट एन एज प्रोवाइड्स कंसिडरेबल स्कोप फॉर मैपिंग द वाटर यूज टैबिट। हाँ ठीक है, और भी यूज़ बता रहा है कि भाई देखिए वेब 3.0 से हम इसको यूज़ करके कहीं पानी है उसको गहराई दे सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, फ्लड आने वाला है तो फ्लड को हम देख लेते हैं, सब कुछ ये चीज़ें आराम से हो जाती हैं। इंडीड इंडिया नेशनल ब्लॉकचेन स्टडी 2021 प्रपोज टू एक्सपोर्ट प्रोग्रेशन। ठीक है, इट विल बी नेशनल प्रोग्रेस फॉर इंडिया टू क्राफ्ट अ थर्ड जनरेशन वेब स्ट्रेटजी दैट ऑप्टिमाइज पब्लिक इंटरेस्ट, सच अ स्ट्रेटजी शुड टू सीक टू कंबाइन द वेलकम फ्यूचर ऑफ द। ठीक है दोस्तों, ये सब इतना था, उम्मीद करता हूँ ये पसंद आ गया होगा। खत्म करने से पहले दोस्तों, एक ऑनलाइन कोर्स UPSC 2024 को हम दे रहे हैं, इसमें प्री प्लस मेंस पढ़ाया जाएगा, वीडियो PDF टेस्ट दिया जाएगा। इसके लिए आप 9919521555 कॉल करके इस कोर्स के अंक ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।